मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान और आप देख रहे हैं बड़ी बात। जब भी आप हरियाणा कांग्रेस बोले थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, आप इसे कलह भी बोल सकते हैं। तो कांग्रेस की कुनबे की कलह एक बार फिर से निकलकर सामने आई है, इस बार यात्रा के जरिए। तो कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता हरियाणा के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर लड़ाई लड़ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि सरकार को घेरने की कोशिशें हैं, सरकार के खिलाफ जनता के मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन कोई भी वरिष्ठ नेता दूसरे नेता की ना यात्रा में शामिल होता है, ना ही मंच साझा करता है और ना ही रैली का हिस्सा बनता है। तो कांग्रेस की आज बात कर रहे हैं कि कलह यात्रा सामने आई है, और कलह यात्रा इसलिए कहा गया कि नाम दिया गया रथ यात्रा, लेकिन कलह खुलकर सामने आ गई। ना अशोक तंवर पहुंचते हैं, ना किरण चौधरी पहुंचती है, ना सुरजेवाला पहुंचते हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पर जाकर अलग अलग मंच के जरिए कहीं रैली निकाली जाती है, जनता से जुड़ने की कोशिशें की जाती है। नाम ये दिया जाता है कि विपक्ष जो है मुद्दे उठा रहा है जनता के, सरकार को घेरने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन एक दूसरे से घिरते नजर आए हैं। वर्चस्व की लड़ाई अगर ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, और कलह अगर इसे कहा जाए तो क्या कहा जाए। कुछ खास मेहमानों से इन सवालों के जवाब लेंगे। रमणीक मान हैं हमारे साथ, हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता आप हैं, केवल ढिंगरा कांग्रेस प्रवक्ता हैं और हुड्डा खेमे से जाने जाते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता भूम सिंह राणा हमारे साथ हैं, तवर खेमे से इनको माना जाता है। इनेलो प्रवक्ता प्रवीण अत्रिक हमारे साथ हैं, वरिष्ठ जो है पत्रकार राजीव रंजन रॉय हमारे साथ हैं और नरेंद्र विद्या अलंकार राजनीतिक विश्लेषक आप हैं। स्वागत है सभी का इस चर्चा में। ढिंगरा साहब, क्या इसे कलह यात्रा कह दिया जाए या फिर रथ यात्रा थी? मैम, इसको कला यात्रा क्यों कहा जा रहा है, पहले तो एक बात इस पे आना चाहूंगा जी। आप ये बताएं कि देखिए, जो हम कांग्रेस के लोग हैं और वहां पे जो एक पब्लिक मीटिंग रखी गई थी, हाँ। और वो रैली में तब्दील हो गई, इतना हजूम था उस रैली के अंदर। जब इतने ढोल नगाड़ों से हुड्डा साहब का लोगों ने स्वागत किया, तो ये मामला जो है ना, जो पब्लिक मीटिंग से रैली में तब्दील हुआ, ठीक है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने, अमित शाह जी हरियाणा में आए थे जींद में, उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग का नाम कहा, लेकिन वो रैली थी और पब्लिक मीटिंग के ऊपर आ गए क्योंकि कुर्सी खाली थी सारी, और वो सारे उसमें खाली कुर्सियों को भाषण दिया उन्होंने, अमित शाह ने। जहां तक हमारा सवाल है, हमने हरियाणा में जो 10 साल में काम किया था, हुड्डा जी को लोग आज भी याद करते हैं उस काम के मुतल्लक, इसीलिए इतना हजूम से लोग वहां पे पहुंचे थे, चार घंटे का जाम रहा सारी सड़कों के ऊपर और इतनी बड़ी रैली। ढिंगरा साहब, देखिए आपने अपनी बात कही, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की बात ना करके कांग्रेस के भीतर की बात की जाए, जो कि खुलकर सामने आ चुका है कि ना अशोक तंवर पहुंचते हैं, ना किरण पहुंचती है, ना कुमारी शैलजा पहुंचती है, ना सुरजेवाला पहुंचते हैं, अलग अलग इलाकों में जनता से जुड़ने की कोशिशें की जाती है, तो अच्छी बात है। लोग अलग अलग इलाकों से जनता से जुड़े, कांग्रेस के सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, तो इसमें गलत बात क्या है? आज जो भाजपा ने 3.5 साल के अंदर जो हालात हरियाणा के अंदर बनाए हैं, उसके लिए हर आदमी कोशिश कर रहा है और हर आदमी बता रहा है पब्लिक को कि जो हाल उनका किसानों का है, जो कर्मचारियों का है, जो बिजनेसमैन का है, जो हालात है इस समय, उसको लोगों को बताना पड़ेगा और लोगों के बीच में जाना कोई गलत बात नहीं है जी, अलग अलग। इसी तरीके से रमणीक मान साहब, क्या ये सरकार के खिलाफ किसी तरह की लड़ाई विपक्ष के तौर पर या कांग्रेस की खुद की लड़ाई? देखिए, ऐसा है, मैं समझता हूँ कि बड़े सीधे तौर पे स्पष्ट रूप से और उसको जैसा ना आगे बढ़ाते, अगर हम इस स्टूडियो को भी देख लें तो इस स्टूडियो के अंदर भी कांग्रेस के आज दो गुटों के अलग अलग प्रवक्ता है। ये हुड्डा साहब के लिए वर्चस्व की लड़ाई है। आज जहां एक तरफ उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप, सीबीआई के केसेस चल रहे हैं, वो आज सब तरफ से घिरे हुए हैं। उनकी अपनी पार्टी उनका समर्थन नहीं कर रही, क्या ये कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है? क्या ये केंद्र से कोई आई भी नीति है उनकी? अरे अपना काम कीजिए, आप देखिए, अरे मैं बोल रहा हूँ ऐसा है, आपके काले चिट्ठों की तो अलमारियां भर भर के गई सीबीआई कोर्ट में, संयम रखिए, संयम रखिए, झूठे केस बनाते हो आप लोग, कुछ नहीं होता इन लोगों से, गिद्दड़ भभकियों से कभी शेर नहीं डरा करते। आप क्या खुद की पार्टी में अकेले पड़ गए हैं क्या? ऐसा है, सुनिए, देखिए, अब ये केवल डिंगरा जी अगर केवल डिंडोरा पीटना बंद करें ना, तो मैं अपनी बात पूरी करूं। बहरहाल, जो थी ऐसा है कि ये अपने वर्चस्व की लड़ाई कर रहे हैं। अगर आज ये बात करते हैं युवा हंकार रैली की या हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन की बात करते हैं, तो मैं आपको बड़ी जिम्मेवारी से बता देता हूँ कि हमारे 17,000 से अधिक बूथ हरियाणा में हर बूथ से रिप्रेजेंटेशन हुई उस रैली के अंदर। अगर ये होटल के अंदर कुछ अपने
पुराने चुने हुए कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करते हैं, यहाँ पे खाली कुर्सियां रहती हैं, आप वीडियो देखिएगा आपको मालूम चलेगा। देखिए ढींगरा साहब, ये बड़ी गंदी आदत है आपकी। मंत्री जो है वो क्या आपको आप तो क्या हो गया साहब, तो क्या पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं, क्या हो गया साहब अपने कार्यकर्ता को? भैया भैया शाहजी को रैली दिखानी है, अरे क्या कुर्सियों को भाषण दे रहे हैं वो, कोई तो दो ऐसा है, चलो ऐसा है ढींगरा साहब मैं आपको बताऊं, आप एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है, थोड़ी सी ना शालीनता रखी और तो थोड़ा सा जो दिख रहा था हमने तो वो बता रहा। अरे भैया जो तुम्हारा दिख रहा है वो तुम्हारे को बता रहा हूँ, संयम नहीं है क्या? 15 फरवरी को डिबेट इसी बात पर थी कि अमित शाह की रैली कितनी सफल रही कितनी नहीं, अरे अरे कितनी सफल रही कितनी सफल नहीं रही, इसको लेकर चर्चा कर चुके हैं आज कांग्रेस पर चर्चा कर ले। ऐसा है, देखिए मैं अपनी बात पूरी कर लूं, अगर इनके अंदर संयम ना हो सुनने का तो ये फिर बोलते रहे, इनका माइक म्यूट कीजिएगा। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि ये अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जहां एक तरफ हुड्डा साहब ने अपने गुट के माध्यम से अशोक तंवर की गर्दन तोड़ने का काम किया, वो आईसीयू में भर्ती रहे। अरे फिर बात करते हो आप, झूठ बोलोगे तो मैं, अरे तुम आए कहां से हो भाई, झूठ बोलते हो ना। अरे डिबेट पे आप क्या हुड्डा साहब बोलोगे तो ऑब्जेक्ट करना यार, ऐसे ऐसे मीडिया एडवाइजर थे, ऐसे ऐसे मीडिया एडवाइजर थे, गलत बयान नहीं करोगे, कहां है आप, आपकी सरकार है, आप कार्रवाई करते हो ना। तो अशोक तंवर ने भी लगाए ना कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई नहीं कर रही है, यार तो उस वक्त देखिए ज्योति यार ये इनको ठीक कीजिए, इंटरनल मैटर है, इसके बारे में भाजपा को दुख। अरे भैया फिर जब हमारा एक कार्यकर्ता सम्मेलन होता है अरे अब मैं धीरा जी एक मिनट जी, अरे सवाल पूछा एक मिनट, अरे सवाल मैं उत्तर दे रहा हूँ। ढींगरा जी पहली चीज तो ये है, जब अशोक तंवर जी के साथ मारपीट हुई और उन्होंने पुलिस में जो कंप्लेंट दी, वो कंप्लेंट निकलवा के देख लीजिए किन किन का नाम लिख के दिया है उसमें, उसमें साफ स्पष्ट आ जाएगा उन्होंने फिर ऐसा मत कहिए ना, आपका इंटरनल जब तक पुलिस में कंप्लेंट ना जाती, FIR लॉज करने की जद्दोजहद ना होती तब तक तो था वो इंटरनल, लेकिन जब FIR की जद्दोजहद होगी, FIR बाकायदा नाम से, कंप्लेंट बाकायदा नाम से दर्ज कराई गई, इंटरनल नहीं रहा पहली बात। दूसरी बात देखिए अभी ढींगरा जी एक पता क्या होता है, चर्चा कर रहे हैं थोड़ा हौसला रखिए, आपने अभी एक बात कही कि पब्लिक मीटिंग थी रैली में तब्दील होगी, हालांकि मैं समझ सकता हूं आप गलत शब्दों का यूज करके, दोनों बातें एक ही होती है, आप कहना ये चाह रहे थे कि वो कार्यकर्ता सम्मेलन था रैली में तब्दील हो गया, ये आप कहना चाह रहे थे। देखिए आपका, देखा आपका हक बनता है और आपकी खुशी जाहिर करने का भी हक बनता है, क्योंकि जब इंसान को ये उम्मीद हो कि 4,000 लोग भी नहीं जुड़ेंगे और वहां पे 4,500 आए तो आदमी खुश हो जाता है, आप स्वाभाविक थे। अब ढींगरा जी बीच में मत बोलिए, मैं पहले तो कह रहा हूं, अभी पहले या तो मुझे बोले दीजिए मैं बताऊंगा, अरे मैं बता दूंगा अरे आपके कहने से सुनिए, अरे सुनिए, अरे सुनिए तो अब मेरे पास दूसरी बात ये हुई है, दूसरी बात ये हुई कि वर्चस्व की लड़ाई थी या कला थी, अरे सुनिए ना भाई, वर्चस्व की लड़ाई थी या कलह थी। देखिए हाँ। एक बात, वहां जितने वक्ताओं ने भाषण दिया उनकी रिकॉर्डिंग निकलवा के देख लीजिए, सबने एक बात कही, हुड्डा साहब को कमान दीजिए, हाँ। हुड्डा साहब को कमान दीजिए, तो ये वर्चस्व के लिए लड़ाई नहीं हुई तो क्या हुआ? क्योंकि जो इस वक्त हो क्या रहा है कांग्रेस में, चाहे तंवर साहब की बात करें, चाहे हुड्डा साहब की बात करें, चाहे रणदीप सुरजेवाला की बात करें, चाहे किरण चौधरी की बात करें, सब लोग पार्टी में अपनी जमीन तलाश रहे हैं, सब लोगों की कोशिश है कि पार्टी में अपनी अहमियत को तलाशा जाए। अब हुड्डा साहब ये लड़ाई पिछले 3.5 साल से लड़ रहे थे, लेकिन जब हाईकमान ने अशोक तंवर जी को एक्सटेंशन दे दिया तो हुड्डा साहब को लगा कि वो लड़ाई हार चुके हैं, और ये उनकी आखिरी कोशिश थी रथ यात्रा जो उन्होंने अब एक महीने के लिए एक्सटेंड की है, कारण कोई भी रहा हो, हालांकि उस कारण के ऊपर भी अलग तरह तरह के क्यास लग रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये है जनता के सामने, ये सवाल है कि जिस पार्टी के नेता जनता की लड़ाई नहीं लड़ सकते, केवल अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता उन पर कैसे विश्वास करे, जनता का सवाल चाहिए कौन सी लड़ाई है? ऐसे अजीत के कांग्रेस एक बड़ा परिवार है, 100 साल की पार्टी है, अलग अलग धर्म, अलग अलग बिरादरी, अलग अलग क्षेत्र के नेता हैं, और आज भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ अलग अलग क्षेत्र में सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं, और ये उनका दायित्व भी बनता है। अब वो कांग्रेस पार्टी के सभी निष्ठावान कार्यकर्ता है, ऐसा नहीं कि वो एक दूसरे के विरोधी है, एक दूसरे के खिलाफ। अध्यक्ष हैं वो ये कहें कि साइकिल रैली के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पीले चावल नहीं देने जाएंगे, पिछली डिबेट में चर्चा की थी इस बात पर सर।
तो क्या ये दायित्व बनता है? ऐसा मुझे नहीं लगता, अभी तंवर साहब ने ऐसा कुछ कहा है वो उनके अपने बयान, देखो वो कांग्रेस पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष हैं, वो उनके अपने व्यक्तिगत विचार हैं, वो उनसे मैंने सुने नहीं वो बिल्कुल भी, मैं इसलिए कोई कमेंट भी नहीं करना चाहता। परंतु कांग्रेस पार्टी कहीं पे भी पूरी तरह से यूनाइट है। आज विपक्ष को के नाते आज जो हम आवाज उठा रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी को और इनेलो को ये लग चुका है भी कांग्रेस पार्टी को हम कभी भी हरा नहीं सकते। आज भारतीय जनता पार्टी की जो झूठ की पोल है वो सामने खुल चुकी है जनता की। दूसरे को हराने की लड़ाई नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है उसमें। हाँ। आज इनेलो के अंदर भी इतना बड़ा उनका परिवार है, वो भी अलग अलग जाके वो करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के कितने अलग अलग नेता है, अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं जाके। परंतु इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम एक दूसरे के खिलाफ हैं। कांग्रेस हाईकमांड ने, राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने अशोक तंवर जी को आज अध्यक्ष बनाया हुआ है। आज अध्यक्ष के दिशा निर्देश अनुसार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम चल रहे हैं। और उसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता है वो भी अलग अलग अपने समय के अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार, वो भी सम्मानित सदस्य हैं हमारे सारे, तो वो भी अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस की एकता के लिए है। रमणीक पांडे जी, कांग्रेस की एकता के इसे समझने की जरूरत है। देखिए, अब एकता का जहां तक प्रश्न है, मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण दे देता हूं। देखिए क्या है, अभी हाल ही में अभी चलता हुआ जैसे, तो अशोक तंवर जो हैं वो तो साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, कहीं पे जन आक्रोश रैली हो रही है जिसके अंदर बड़े विचित्र किस्म के नाच हो रहे हैं, गाने बज रहे हैं, और तीसरा अभी ये रथ यात्रा का नया इन्होंने आडंबर रच दिया है। तो ठीक है, ये हो सकता है कि इनकी एकता हो सकता है क्या इनकी वर्चस्व की लड़ाई हो, परंतु जो चीज़ साफ उभर के सामने आ रही है वो ये है कि जहाँ तक हुड्डा साहब का प्रश्न है, हुड्डा साहब के पास ना केवल 10 साल के कुकर्मों और कुशासन का बर्डन है, बैगेज है उनके ऊपर, जहाँ तक और बीजेपी एक मिनट, अच्छा चलो ऐसा है, उसके उस व्यक्ति के ऊपर जो सीबीआई के केसेस चल रहे हैं, है क्या बचा हुआ इस समय? 3.5 साल में खत्म हो लिया आपका काम तो। अच्छा ऐसा है, हमारे पास तो भी 1.5 साल बाकी है। सुनिए सुनो, अरे अरे सुनो ना यार, ढिंगरा साहब मेरी बात सुनो, आपने जो करना मैं जो तो जो वर्चस्व की लड़ाई जो थी कुछ तो बचा नहीं। ढिंगरा साहब आपका दिमागी तवाजुन ठीक है क्या? जब कोई बोल रहा होता है 20 मिनट रोकते हैं। अरे मैं बता रहा हूँ भैया, आपके कर्मचारियों को लूट लिया, सुनो सुनो सुनो, आपने सबको तो खराब कर दिया, बिजनेसमैन ये क्या आदमी है यार, ये आप कहाँ से पकड़ के लाए हो इनको? टॉपिक एक बार के लिए क्लियर कर दें। हाँ। क्या ये कलह यात्रा है क्या? बिल्कुल, इसमें तमाम नेता साथ नहीं। देखिए मैं बताता हूँ, ढिंगरा साहब इस बात को इनकार करिए या फिर करिए, लेकिन इनको करने दो। अरे भाई आप तो डिबेट जैसे मर्जी करिए। भाई ज्योति, आपने मेरे से प्रश्न पूछा है, मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ। क्या हुड्डा साहब को 3.5 साल बाद याद आया? पहले नहीं कर सकते थे? हाँ, मतलब कई कभी मीटिंग्स, कोई बात नहीं, सुन रोज होती है। अरे अरे रोज तुम्हारी रैली होती है, कैसी होती है बताए तुम्हारे, वो सारे जो है ना वो 40 चोर इकट्ठे होते हैं रोज बैठे, कोई बात छोड़ो। अरे चुप करो, चुप करो, सुनो आपका सुनो, क्या है ये तो? अरे सुनो ना, आप सुनिए, जन आक्रोश, अरे इनकी अमित शाह आपके बड़े नेता, कुर्सी गिर गया था, रहे कुर्सी गिर गए थे, आप थे पकड़ पकड़ के मंत्री बनते जो अंदर जा रहे थे, वो दिख रहा था सोशल मीडिया पे सारा कुछ है कि एक आदमी ज्योति यार, यहाँ तो इस आदमी को समझाओ, हम अंदर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, हम मजबूरी में मंत्री जी लेके जा रहे हैं, क्या सरकार पर अटैक करेंगे आप? देखिए ऐसा है, आपकी मजबूरियां होंगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम कांग्रेस पर रहें। मान साहब आएंगे, एक और सवाल करेंगे। नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा ज्योति, देखिए आपने प्रश्न पूछा है, उत्तर देने नहीं देता, बीच में वो बोलता रहता है। समय के हिसाब से उत्तर देंगे ना। राजीव रंजन जी, किसका फायदा है किसका नुकसान कांग्रेस की लड़ाई से? देखिए कांग्रेस में एक बात तो स्पष्ट है, वहाँ मनभेद तो है। अब देखिए इस बात पे कोई डाउट नहीं है और सबको पता है, आज की तारीख में कांग्रेस में जो कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम किसी के एक्सेप्टेंस की बात करते हैं तो तंवर साहब पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। हाँ। किरण चौधरी सीएलपी के लीडर हैं और सेंट्रल स्टीयरिंग कमेटी में सुरजेवाला हरियाणा से मेंबर हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जिसको कि कांग्रेस हाईकमांड ने 3 इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया है। हुड्डा साहब के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट वो कांग्रेस के इंपॉर्टेंट लीडर हैं। 10 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे और उन्होंने काफ़ी मेहनत भी किया, और यह भी बात सत्य है कि उनको लग रहा है कि उन्होंने कांग्रेस के लिए जो किया, कांग्रेस को जो हम उन्होंने इस्टेब्लिश कराया, और वो जो उनका एक मिलना चाहिए रिकग्निशन, वो पार्टी में नहीं मिल रही है। अनफॉर्चुनेटली भारतीय जनता पार्टी और जो बीजेपी में और कांग्रेस में एक्चुअली पार्टी इंपॉर्टेंट होती है, इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट नहीं होता है।
वहाँ देखिए जिस दोनों पार्टी की बहुत ही अच्छी बात यह है कि आप पार्टी में हैं तो आप इंपॉर्टेंट हैं, पार्टी से बाहर चले जाते हैं आपका इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है। हुडा साहब उस लीग से शायद अलग जाने के प्रयास कर रहे हैं कि हम इंपॉर्टेंट, मेरी वजह से कांग्रेस इंपॉर्टेंट है, ना कि हम इंपॉर्टेंट है कांग्रेस की वजह से। जनता के बीच में कांग्रेस की तमाम नेता जा रखी है, पहला कमेंट। कांग्रेस के बीच में आज के दिन कलह तो निश्चित रूप से है, लेकिन वो कलह क्यों है, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहने के बाद वो ये पचा नहीं पा रहे हैं कि उनसे बड़ा हरियाणा में कोई नेता है। हाँ। और यही कारण है कि वो तंवर साहब को आज तक स्वीकार नहीं कर सके। लेकिन कई ये विडंबना है कि जो भी एक बार मुख्यमंत्री बन जाता है वो दूसरे के किसी को पनपने नहीं देता, ना ही उसकी लीडरशिप स्वीकार करने के लिए तैयार है। हुड्डा साहब जब पार्टी के अध्यक्ष थे और मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल जी थे, तब भी भजनलाल जी ने कभी भी हुड्डा साहब को न अच्छी रैलियां करने दी। हुड्डा साहब जहां गए उनको कमज़ोर करने की कोशिश की, ये अलग बात है। हुड्डा साहब इन पे पर्सनल अटैक कर करके हरियाणा में अपने आप को थोड़ा बहुत एस्टेब्लिश कर सके। वो क्यों कर सके, क्योंकि हरियाणा के लोग जो मर्द की भाषा बोलता है, जो आक्रामक तेवर अपनाता है, उस आदमी को स्वीकार करते हैं। हुड्डा साहब ने वो किया था, लेकिन हुड्डा साहब ये बात भूल गए, रथ यात्रा निकाल चुके हैं, लेकिन हुड्डा साहब ये बात भूल गए कि जो अध्यक्ष है उसके तहत रह करके उन्हें काम करना चाहिए, उनकी लीडरशिप में काम करना चाहिए, क्योंकि ये उनके सामने भी सवाल खड़ा हुआ था। लेकिन ये कांग्रेस के अंदर, केंद्र की कांग्रेस की राजनीति भी यही रही है कि लीडरों को चारों तरफ से आप, हुड्डा साहब को भी उन्होंने पुचकार दिया, तंवर साहब को भी उन्होंने कह दिया, किरण चौधरी का अलग गुट बना हुआ है। तो ये कांग्रेस की एक राजनीति रही है और इस राजनीति का कई बार उनको दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ा है, दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ा है। चलिए एक रिपोर्ट अभी देखते हैं जिसमें दिखाएंगे कि हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता क्या कुछ कर रहे हैं, किस तरह से चुनाव प्रचार के नाम पर खेमेबाजी निकलकर सामने आए। तो तस्वीरें जो देख रहे हैं, ये होडल की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कांग्रेस के झंडे हैं हालांकि, लेकिन जो समर्थक हैं वो हुड्डा समर्थक माने जाएंगे, क्योंकि हुड्डा का कार्यक्रम रहा। किरण चौधरी को आप देख पा रहे हैं और घरौंडा वो पहुंची थी, उनकी ओर से भी किसानों के मुद्दों को लेकर, व्यापारियों के मुद्दों को लेकर जनता को संबोधित किया गया। सुरजेवाला अलग चलते हैं और अशोक तंवर जो है वो फतेहाबाद में रहे रविवार को। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है रथ यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं, अशोक तंवर साइकिल यात्रा निकालेंगे, सुरजेवाला अलग चल रहे हैं, किरण अलग चलती हैं, कुमारी शैलजा जो है वो अलग चलती हैं। तो बड़े नेता कई हैं लेकिन एक साथ कभी नजर नहीं आते, क्या हाईकमान का एजेंडा ये है, कांग्रेस का कितना नुकसान या फायदा है और विपक्ष के नाते कांग्रेस कितनी बड़ी भूमिका अदा कर रही है हरियाणा में। कुछ खास मेहमान हैं जिनसे चर्चा हम कर रही हैं। केवल डिंगरा जी, क्या लगता है, क्या कद की ही लड़ाई है कि भले ही पैर में फ्रैक्चर हुआ है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसके बावजूद भी रथ यात्रा शुरू करते हैं? नहीं, देखिए रथ यात्रा शुरू नहीं की, पब्लिक ने वहाँ पे जो इकट्ठे हुए थे उन लोगों से राय हुई थी और उन्होंने उसमें ये राय की कि अप्रैल में उसको शुरू किया जाएगा। हाँ। और इसको एक कार्यकर्ता सम्मेलन के तौर पे वो रखा गया, लेकिन वो बाद में पब्लिक रैली में तब्दील हो गई। जहां तक बात दूसरी है, एक सेकंड, जहां तक बात दूसरी है पैर की मौत ज्यादा दूर नहीं जाने देती, और ये पैर की चोट नहीं, ये दिमागी मौत है। डेमोक्रेटिक पार्टी है, सभी डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो आप ये बताओ बीजेपी का रोकने का काम है, आपके हाईकमांड ने इसको ऑथराइज किया है? बीजेपी का काम है, कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है। अगर कांग्रेस पार्टी का सवाल का जवाब दीजिए, इसी सवाल का जवाब देंगे क्या ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही कार्यक्रम था या फिर कांग्रेस का कार्यक्रम था? ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही कार्यक्रम था या फिर हरियाणा कांग्रेस का कार्यक्रम था? सर, कांग्रेस के कार्यक्रम जगह जगह पे हो रहे हैं, कांग्रेस का कार्यक्रम चल रहे हैं, रथ यात्रा हुड्डा साहब निकाल रहे हैं, कांग्रेस के राज्य प्रमुख नहीं आते, कांग्रेस विधायक दल की नेता नहीं आती, विधायक दल की नेता भी नहीं आते, राज्य प्रमुख भी नहीं आते, और ये हरियाणा कांग्रेस का कार्यक्रम है। देखिए कांग्रेस के कार्यक्रम कई हो रहे होंगे, आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि घरौंडा में एक कार्यक्रम हो रहा था, तंवर में एक कार्यक्रम हो रहा था, मैं तो होटल में था, मैं होटल की बात करूंगा भाई, मैं जो हुड्डा साहब के प्रोग्राम में था, बात हो रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता
कांग्रेस के कार्यकर्ता काम करते हैं तो मान आपकी अंतःकला बाहर निकल के आ रही है। अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता काम करते तो प्रसन्न है, लड़ो आप लोग आपस में, दर्द क्यों होता है? अरे हमारे पेट में कोई दर्द नहीं, अपन बहुत प्रसन्न है भाई, अपन बहुत प्रसन्न है। आप इस बात को स्वीकार कीजिए, सवाल करेंगे ना सर, ज्योति अगर कोई भी कार्यक्रम पार्टी का होता है तो स्वाभाविक है कि पार्टी अध्यक्ष वहाँ पे होता है। अगर पार्टी अध्यक्ष नहीं पहुंचे तो सीधा सा मतलब है पार्टी का कार्यक्रम ये नहीं था, उसमें तो कोई इफेंट बट की गुंजाइश नहीं है। लेकिन एक सवाल जो है, अभी विद्या अलंकार जी ने कांग्रेस पार्टी के, अरे आप रुकिए तो जाइए, आपको बड़ी परेशानी होती है भाई, आप शोर बहुत मचाते हो ढींगरा जी, आप इतना शोर मत मचाओ ढींगरा जी, शोर ना मचाओ, हाँ मैं बताता हूँ, कहीं दुष्यंत होता है अकेला, अरे सुनिए तो मैं आपको जवाब देता हूँ, अरे हाँ मैं बताता हूँ, मैं आपको जवाब दे देता हूँ, अरे सुनिए ना भाई, हुड्डा आप सुन लीजिए, जब ये रथ यात्रा प्लान हुई, हुड्डा जी ने अनाउंस किया कि रथ यात्रा निकालेंगे, अरे सुन लीजिए, अब सुनिए मैं आपको बता रहा हूँ, अब आपको सच्चाई बता रहा हूँ, अरे मैं बता रहा हूँ, जब ये रथ यात्रा का अनाउंस किया हुड्डा साहब ने तो एक चैनल ने, अरे सुन तो लीजिए भाई, अब चिल्लाइए मत, मैं बता रहा हूँ आपको, एक इनके प्रवक्ता ने चैनल पे, ज्योति चैनल पे इनके प्रवक्ता ने बोला, और इनको लास्ट टाइम मैंने नाम बताया था कि कौन सी रथ यात्रा, किसकी रथ यात्रा, कौन भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये तो नाश यात्रा है, इन्हीं के प्रवक्ता की वर्डिंग थी, अगर वो पार्टी प्रोग्राम होता तो वो प्रवक्ता ऐसे ना बोलता, पहली बात। दूसरी बात, अरे सुनिए, अरे सुन लीजिए, अब अलंकार जी ने कांग्रेस की पुरानी हिस्ट्री के बारे में जिक्र किया था, बिल्कुल सही जिक्र किया था, जैसे भजन लाल जी थे, बंसी लाल जी थे, कांग्रेस का इतिहास रहा है, बंसी लाल जी थे, उनको बाहर निकाल दिया, भजन लाल जी थे, उनको बाहर निकाल दिया, और अब बारी है हुड्डा साहब, डेमोक्रेसी स्वीकार क्यों नहीं हो रही कि हुड्डा साहब गए, जब आपके ऊपर डेमोक्रेसी आई तो आपने ये इतिहास है आपका कि आपने अपने प्रधान की गर्दन तोड़ दी। एक चीज और है, भूप सिंह जी ने अभी एक बात बोली, 100 साल पुरानी, हालांकि मैं करेक्ट कर रहा हूँ, 100 साल 135 साल हो चुके हैं, करेक्शन है, अब ये बात आ जाती है। देखिए यहाँ सवाल क्या है, सवाल ये है कि प्रदेश की जनता देखती है, जो दल विपक्ष में होता है प्रदेश की जनता उम्मीद करती है कि वो दल उनकी परेशानियां, उनकी जो तकलीफें हैं वो उसकी आवाज उठाएगा। यहाँ हालात ये हो रहे हैं कि कांग्रेस तो इनकी अपनी दाल जूतियों में बट रही है, ये क्या आवाज उठाएंगे? तभी तो ये हुआ कि जब बिजली के दाम बढ़े हुड्डा साहब गायब थे, जिस वक्त प्रदेश के अंदर किसान लुट रहा था हुड्डा साहब गायब थे, इंडियन नेशनल लोकल वो लड़ाई लड़ रही थी, क्योंकि आप अपने प्रधान की गर्दन तोड़ने में व्यस्त थे, आप उनके ऊपर लाठियां बरसाने में व्यस्त थे, और वही हालात इस वक्त है, ये इस वक्त कांग्रेस खत्म हो चुकी है, प्रदेश में कांग्रेस का कुछ नहीं रहा, इसीलिए ये हालात है, आईएनएलडी का काम खत्म 15 साल से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कद बड़ा नहीं होने देना फिलहाल, अब खासतौर पर कि कोई पद नहीं दिया गया, उसके बावजूद अलग वो लड़ाई लड़ रहे। देखिए उनकी आंतरिक व्यवस्था है, पद देना ना देना, पर जो प्रत्यक्ष रूप से सामने प्रमाणित हो रहा है समाज के अंदर, जनता के अंदर, वो ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अब कांग्रेस पार्टी को जरूरत नहीं है। उसका कारण ये है कि वो खुद अपने स्तर पे अपनी रैलियां निकाल रहे हैं, उनकी रैली में ना तो उनके जो प्रदेश, देखिए महासचिव कांग्रेस पार्टी के जो हरियाणा प्रदेश के इंचार्ज है, क्या उनके स्वीकारित है क्या? अरे सबकी जरूरत है भाई, आप अच्छा सुनो सुनो, अच्छा चलो ऐसा है डिंगरा जी, आप फिलहाल तो आदमी हटाए गए, उनकी जरूरत नहीं है, पहले आप अपने हुड्डा जी की टांग से, अब उनके मंत्री हटाए गए, अब उनकी जरूरत नहीं है पार्टी में, हटा दो फिर उनको पार्टी से, आपने आपको जरूरत ही नहीं है, सैनी साहब इतना बोल रहे हैं उसकी पार्टी को जरूरत है, उनको बचा के रखा हुआ है पूरी तरह से। आपसे सवाल किया था, आपने जवाब दिया, फिलहाल सुनिए। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी के ना प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित हो रहा है कि हुड्डा साहब की आवश्यकता नहीं है। अब क्या देख रहे हैं कि हुड्डा साहब केवल एक क्षेत्र के, केवल उसी का लाभ, उसी का केवल उसी का लाभ उठा रहे हैं, केवल उसी का लाभ उठा रहे हैं। देखिए क्या है, वो केवल एक क्षेत्र के अंदर सीमित रह गए हैं। अगर आप उत्तर हरियाणा की बात करें, उनका अरे अरे सुनो यार सुनो, अरे तब तो भीड़ कहां से इकट्ठी कर गई, अरे 40,000 लेके चलता, भीड़ कहां से, 4 घंटे तक रास्ता खराब,
इसका मतलब आप कानून व्यवस्था को खराब करके ट्रैफिक को, तो आप पर्चा दर्ज कर लो, आप प्रसन्न है, आप उस बात में आप अपने आप को सम्मान कर रहे हो, आपको सही बात चाहिए कि आपने 4 घंटे तक काम कर रहे हो, गलत बात है। हमने तो कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन था और रैली में भाग लेने लोगों का दोष है, आप क्या करें? ज्योति इनके मानने या माने से इस बात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा राजनीतिक जमीन खो चुके हैं हरियाणा के अंदर और केवल केवल अपने क्षेत्र रोहतक के अंदर, वहां पे भी इनकी हालत इतनी पतली है। समय रोहतक से क्यों नहीं शुरू किया साहब आपने? आपका अपना क्षेत्र था, वहां से करते आपने बिल्कुल फेल। अरे आपका ये जो रथ है ना ज्योति, ज्योति जस्ट 5 seconds मोर, अलंकार साहब अनुरोध है 5 के लिए, ये आपका रथ सीधा जेल के अंदर जाएगा, पूरा हरियाणा में जाएंगे, ये रथ सीधा जेल के अंदर जाएगा, कोशिशो कर लेना, ये सीधा रथ आपका जेल के अंदर जाएगा, पूरे हरियाणा में जाएंगे, जो आपके कुकर्म है। क्या ये हाईकमान का एजेंडा है कि हरियाणा का सर्कल लेना चाहते हो, ये कर लेना, सर्कल लेता है, कोशिश कर लेना। अरे आपके अपने कर्म है, हमें क्या करना है भाई, आपके अपने कर्म है, आपके अपने कर्म है, बीजेपी आप आज दोबारा दोहरा रहा हूँ मैं आपको, ढींगरा जी सुनना, ये रथ सीधा जेल के अंदर कोई बात नहीं। जो मान साहब कहते हैं कि भूपेंद्र जी हुड्डा का रथ सीधा जेल में जाएगा, दिक्कत यही है 3.5 साल हो गए भाजपा सरकार को आए हुए, आज तक तो उन्होंने कोई प्रक्रिया को अपना ठोस कदम नहीं उठाया है। चार्जशीट हुई है, देखिए आप, नहीं चार्जशीट का 3 साल नहीं लगते मान साहब, नहीं नहीं, दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, चार्जशीट का साइज देखा आपने? चलो मान लिया, दो अलमारियां भर के जाती है इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगा, मान साहब मान लिया, आपको तो बता दिया ना, सुनो ढींगरा जी, दो अलमारियां उसमें क्या, ढींगरा जी आप क्या काम कर रहे हो, आप मुलाकात करने जाना था साहब, जिस आदमी ने कंप्लेंट दी है ना उसके खिलाफ हाईकोर्ट ने स्ट्रक्चर पास कर रखा है, कोई बात नहीं, ये हरियाणा की जनता को मालूम चल जाएगा और आप लोगों का भी पता लग जाएगा। आप जो एडवाइजर है उनके, आप जेल में जाके मीडिया एडवाइस कीजिएगा उनको, क्या समस्या है, दर्ज करने के लिए क्या समस्या है, आपको क्या मालूम, विषय पर रह कौन रहा है यहाँ पे, विद्यालंकार जी से सवाल है मेरा, बोलिए विद्यालंकार जी। ज्योति जी नंबर वन, आपने जो कहा ये कल यात्रा है, निश्चित रूप से कल यात्रा है, 4 साल हो गए अपने कवर से तंवर साहब को अध्यक्ष बने हुए, 4 साल में मैं नहीं समझता दिल्ली को छोड़ के आज तक ये दोनों एक जगह जमा हुए, इकट्ठे हुए हैं, और एक जब वो दिल्ली में उनकी तो रैली थी कोई, हुए थे जब से, तो उसी समय जो हुआ आपने देखा है, एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज, बयानबाजी, सब कुछ हुआ। दूसरा जो इतिहास है कांग्रेस का ज्योति जी, उसे हमें भूलना नहीं चाहिए, और मैं नहीं समझता हुड्डा जी भी उसको भूले होंगे। चौधरी भजनलाल जी ने एक गलती की थी सोनिया जी के खिलाफ, सोनिया जी सख्त हैं, महसूस नहीं होने देती, लेकिन जब वक्त आता है तो एहसास करा देती है, और ऐसा एहसास ऐसा कराती हैं जो भजनलाल जी को एहसास हुआ था, मैं समझता हूं कि भूपेंद्र जी हुड्डा अगर नहीं संभले वो एहसास इनको भी कराया जाएगा। गलत काम क्या कर रहे हैं नरेंद्र जी, आप बताइए, तो ही हमने गलत, आपने 10 साल कुशासन किया, आपने 10 साल ठीक क्या किया, सोनिया जी ठीक क्या किया, नहीं नहीं नरेंद्र जी आप बताइए, आप एनालिसिस तो आप बताइए, हुड्डा साहब ने गलत काम क्या किया, आपने ठीक क्या किया। सोनिया जी का दर्द है कि वाड्रा साहब को जो जमीन उन्होंने दी है वो ठीक नहीं किया, ये आप सुनना कहना चाहते हैं? नहीं नहीं मैं नहीं कहना चाहता, मैं नहीं कहना चाहता, हम अगर होटल में यात्रा करते हैं तो उसका वाड्रा साहब से जोड़ते हैं आप, अरे नहीं क्या गलत किया उसकी तो पूरी चार्जशीट, आप हमारे होटल की बात कर रहे हैं, आप क्या गलत किया, अच्छा है जा रहे हैं तो नरेंद्र जी आप क्या कह रहे हैं, ये मैं ठीक कह रहा हूं, हाईकमान को लेकर कहा, बताइए क्या कह रहे हैं, ढींगरा साहब कांग्रेस हाईकमान को लेकर कहा गया, सोनिया गांधी को लेकर कहा गया, बिल्कुल कहा है, बिल्कुल चर्चा है कांग्रेस में, देखिए हमें संकट में डाल दिया, एक तो मैं ये आपसे कहूंगा कि चर्चा को चर्चा के ढंग से करें, आपको पूरा मिलेगा आप जवाब दीजिएगा, जाए अगर मैस क्रिएट करना है शोर मचाना तो मैं भी शुरू हो जाता हूं, दोनों मिलके मचा लेते हैं। अब सुनिए, विद्यालंकर जी ने एक बार, मैंने चलो उन्होंने छोड़ दी, अब मैं बताता हूं आपको, विद्यालंकर जी ने ये बात कही है कि 4 साल हो गए, अलंकार जी उन्होंने लॉकडाउन किया था, अलंकार जी कुरुक्षेत्र में उनकी रैली, अलंकार जी ये बेहतर, उसके बाद भजनलाल जी, अलंकार जी अरे एक बात सुनिए, अलंकार जी ने एक बात का जिक्र किया, अरे सुनिए अलंकार जी ने एक बात का जिक्र किया कि 4 साल हो गए, अरे भाई चुप हो जाओ सुन लो, आप चर्चा ये है कि ये कला थी, चर्चा थी कि ये कला यात्रा थी। अभी विद्यालंकार जी ने कहा कि 4 साल हो गए तंवर साहब को प्रधान बने, दिल्ली के अलावा कहीं इनकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन थोड़ा सा तंवर विद्यालंकार
अलंकार जी याद दिला दूं, करनाल में तंवर साहब के एक वर्कर ने मीटिंग की थी, हुडा साहब गए थे, धक्के मार के स्टेज से गिरा दिया था। वन, पहली बार जा मिले। दूसरी बार मिले जब राहुल जी का स्वागत करना था, जो तंवर साहब की गर्दन तोड़ दी थी। तो दो जगह मिले, पहले उनको तोड़ा, फिर उन्होंने इनको तोड़ा। आप करनाल में धक्का मार के गिराया अशोक तंवर जी की गर्दन तोड़ दी। दर्ज करवाया गया था, अशोक तंवर को चोट भी आई थी, उस वक्त साफ तौर पर आरोप लगाए गए थे। तंवर साहब मौजूद ही नहीं थे। प्रवक्ता को तो भूल दीजिए सर, एक मिनट रिपीट करना। 6 अक्टूबर 2016 आपको याद होगा सर, जिस तरह से किसान यात्रा को खत्म करके राहुल गांधी दिल्ली पहुंचते हैं, उस वक्त जिस तरह से झंडों के डंडे बनाए जाते हैं, हमले एक दूसरे के समर्थकों से किए जाते हैं, अशोक तंवर को जो चोटें आई, मामला थाने में पहुंचता है, सीधे तौर पर हुड्डा साहब पर उनके समर्थकों पर आरोप लगाए गए थे या फिर नहीं? राणा साहब, नहीं, इसमें जो वहां पे जो कोई धक्का मुक्की हुई है जी, उसमें नहीं जो उसमें वो हुआ है, कुछ हुड़दंगी लोग थे, वो जरूरी नहीं कि वो कांग्रेसी थे, वो दूसरे भी हो सकते हैं। उसमें वहां पे FIR दर्ज करा दी गई है, FIR दर्ज करा दी गई है, कानून अपना काम कर रहा है। जो जब आरोप लगाए गए हैं सर, तो दर्शकों को बरगलाने की कोशिश नहीं, उसमें 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 वहां पे जो झगड़ा हुआ था उसकी एप्लीकेशन दी गई है। वो कौन लोग थे, किस तरह, वो फाइंड आउट किए जा रहे हैं। सरकार के खिलाफ जनता के मुद्दों को उठाया जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेसी जो है एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। राजीव रंजन, देखिए इसमें दो बात स्पष्ट है, बिल्कुल आपने सही कहा कि कांग्रेस में वो डिवीजन है, डिफरेंट लीडर्स अपने लेवल पे काम कर रहा है। एक जो रिमार्केबल चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के जो भी लीडर हैं, चाहे तंवर साहब हों, हुडा साहब हों या किरण चौधरी हैं, देखिए लोगों के रिस्पॉन्स अच्छे आ रहे हैं, और अगर ये मिल के काम करते हैं तो और अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन प्रॉब्लम अब यह है कि अब तंवर साहब पार्टी के प्रेसिडेंट हैं हरियाणा यूनिट के, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, वो एक्सेप्ट हो नहीं रहा। अभी तक जो अवेलेबल इंडिकेशंस हैं, हाई कमांड यह स्पष्ट कर रहे हैं किसी न किसी तरह से कि अशोक तंवर को डिस्टर्ब नहीं करना जा रहा है, तो एक एक करके वो देखिए अपने यूनिट्स भी कंस्टिट्यूट कर रहे हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और वो भी काफ़ी कॉन्फिडेंट है। हुडा साहब भी कॉन्फिडेंट है, चूँकि जैसा कि मैंने कहा, हुडा साहब एक इंपॉर्टेंट लीडर हरियाणा के हैं, उनको आप हम राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं, हम राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। आज देखिए 14-15 MLA जो भी उनके साथ हैं, 12-13 MLAs उनके साथ हैं, वो इंपॉर्टेंट लीडर हैं और कांग्रेस के लिए वो एसेट हैं। लेकिन अब उनको किस प्रकार से कांग्रेस को यूटिलाइज करना, या हुडा साहब अपने आप को कैसे अलाउ करते हैं कि उनका फायदा कांग्रेस को मिले, ये उनका एक व्यक्तिगत डिसीजन भी है। लेकिन यहां मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा, अगर पार्टी को डिसीजन लेने की जब समय आएगी तब पार्टी डिसीजन जरूर लेगी। देखिए आपको अगर लॉन्ग रोप दिया जा रहा है, इसका मतलब यह नहीं है क्या कि आप को अनदेखा किया जा रहा, आप उसी रस्सी में लिपट करके फांसी कमिट कर देते हैं। तो एक देखिए पॉलिटिक्स में आप जब अपना गेम खेलते हैं तो उसके पीछे भी गेम चलता है, एक बड़ा ही वो होता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पार्टी इंपॉर्टेंट होती है। पार्टी के साथ आप रहेंगे तो आप इंपॉर्टेंट हैं, पार्टी से जो कि सारे लोग बाहर गए वापिस आए, भारतीय जनता पार्टी को कितने लोगों ने छोड़ा, देखिए वापस आए, अब कई कई दिग्गज गए छोड़ करके वापस आए। कांग्रेस को दो भाग कर दिया गया था, कांग्रेस तिवारी बन गई, सारे लोग वापस आए, कितने बड़े बड़े लीडर्स उनके साथ गए थे। तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के मामले में किसी भी लीडर को यह कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि पार्टी हमसे बड़ा है, हमसे पार्टी कुछ नहीं, ऐसा मतलब ये सोचाने ही नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी के अंदर ना केवल आम सामान्य जन को, हम इस पैनल पे बैठे हुए ढींगरा साहब के अलावा सबको ये लगता है कि साहब हुडा साहब दोबारा कहीं आ जाएंगे। देखिए मैं बताता हूँ क्या, कांग्रेस पार्टी की हाईकमांड ने जब से राहुल गांधी ने टेक ओवर किया है तब से, और उससे बल्कि पहले से ही स्टेट मतलब चार्ज डी अफेयर्स, तो ही वॉज ऑलरेडी चार्ज डी अफेयर्स, वो तो सोनिया गांधी जी थे ऊपर, पर चार्ज दे दिया था। अब क्या है कि ये स्पष्ट हो चुका है सभी नेताओं को हरियाणा के अंदर कि हुडा साहब अब आगे नहीं आएंगे।
तो उनकी एब्सेंस में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। उस वैक्यूम को फिल करने के लिए, उस वैक्यूम को फिल करने के लिए आज सुरजेवाला जी भी, चाहे देखिए चाहे सुरजेवाला जी हो, चाहे किरण चौधरी जी हो, चाहे अशोक तंवर जी हो, ये सब प्रयास कर रहे हैं अपनी अपनी जगह स्थापित करने के लिए। हाँ। अब वो खोती हुई सत्ता, वो खोता हुआ जो वैक्यूम है, उसके अंदर दोबारा घुसने का, उसको रीफिल करने का प्रयास हुड्डा साहब भी कर रहे हैं। और हर एक राजनेता को ये अधिकार है कि वो अपना प्रयास जारी रखे। परंतु जहां पे वो रैली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं, तो एक बड़ी विस्तृत चार्जशीट इनके खिलाफ प्रस्तुत करी थी इंडियन नेशनल लोकदल ने भी, और एक उससे भी ज्यादा विस्तृत चार्जशीट सीबीआई ने उनके खिलाफ प्रस्तुत करी है। अभी जैसे कि हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ, इन्होंने कहा कि सोनिया गांधी उनसे इसलिए नाराज हैं क्योंकि उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा को एक ऐसी जमीन के मुद्दे में फंसा लिया जिसके अंदर उनकी परिवार की, उनकी भी छवि को चौबट्टा लगा है। अब ये चीज स्पष्ट है कि केंद्र के अंदर जो नेतृत्व है वो हुड्डा साहब को नहीं स्वीकार रहा। हरियाणा के अंदर जो स्टेट लीडरशिप है उनको पिछले 4 साल से नहीं दी गई। हुड्डा साहब का, जहां तक मैं समझता हूं, कि राजनीतिक जो कैरियर है या तो अब खत्म है या वो एक एक क्षेत्र तक सीमित रह गए, उसके अधिक नहीं जाएंगे। देखिए एक बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आपने भी देखा होगा जब तंवर और अशोक साहब, अशोक तंवर जी की और हुड्डा साहब की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ढींगरा साहब थोड़े डिफेंसिव मोड में रहते हैं। वो ये कहते हैं ये पार्टी का इंटरनल मामला, और ये मैं आज बड़ा हैरान हूँ ढींगरा साहब जब ये बात कर रहे हैं। मुझे याद है जब वो गर्दन तोड़ी गई थी उस वक्त ढींगरा साहब की स्टेटमेंट क्या थी। तो अगर आज ये डिफेंसिव है तो कहीं ना कहीं, अरे रुकिए सॉरी, अभी तो बीच में डिस्टर्ब बहुत करते हैं। उस वक्त आपने कहा था कि जी वहां हुड्डा साहब मौजूद नहीं थे, वर्कर्स की आपस में लड़ाई थी, तब आपने ये नहीं कहा था इंटरनल मामला, आप इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन आज अगर आप डिफेंसिव है तो कहीं ना कहीं जहन में बस चुकी है और वो स्वाभाविक भी है। देखिए स्वाभाविक है, लेकिन यहां पे ना अगर हम जब कांग्रेस की कलह की बात करते हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि झगड़ा, देखो बुजुर्ग भी कहते हैं झगड़ा कब होता है, कमी में झगड़ा होता है। अब कांग्रेस के अंदर कमी है क्योंकि जनता कांग्रेस को नकार चुकी है। लोग समझ चुके हैं कि कांग्रेस ने 10 साल प्रदेश को खुल के लूटा, हुड्डा साहब लूटने में सिरमौर थे, जिस तरह का 10 साल का कार्यकाल रहा, हरियाणा प्रदेश का काला अध्याय इतिहास का। तो अब जनता चाहती है कि कांग्रेस और हुड्डा साहब, इनकी हरियाणा की राजनीति में कोई जगह नहीं है, इस बात को आप मान के चले। और यही वजह है हुड्डा साहब पता कहां से चलता है, क्या 10 साल, क्या 4 साल, क्या हुड्डा साहब ने एक बार जनता की लड़ाई लड़ी? प्रदेश की जनता की बात आप करते नहीं, किसान की बात आप करते नहीं, मजदूर की बात आप करते नहीं। बिल्कुल अशोक तंवर जी आज से नहीं है, बहुत पहले से उनके चहेते हैं। और दूसरी बात एक और बता दूं मैं आपको, अशोक तंवर जी उसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जहाँ से भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा आते हैं। तो लेकिन तंवर जी को, उनके पास विधायक नहीं है, ज्यादातर जो विधायक हैं वो भूपेंद्र हुड्डा के खेमे के हैं, टिकट भी नहीं मिली इस बार उनको खेमे वालों को, तो उससे कमजोरी की वजह से तंवर साहब कहीं कहीं पिछड़ रहे हैं। बिल्कुल सुनेंगे विद्यालंकार जी बोले आप। और अगर तंवर जी उनकी पसंद नहीं होते राहुल गांधी जी की, तो दोबारा उनको 4 साल के बाद ये टर्म दोबारा नहीं मिलती। अगर दोबारा मिलती तो वो फैसलों को पेंडिंग रखते, लेकिन उन्होंने सारे ऑफिस बीरर अपने बना दिए। बदला नहीं जाएगा जिन 5 राज्यों को लेकर, केवल ढींगरा जी बेहतर बताएंगे। हाँ जी, टाइम नहीं बढ़ाया गया, इतनी जानकारी दी गई है कि उनका टाइम नहीं है बदले जाने की। भी बोल चुके हैं बोला यही जाता है कि कंटिन्यू करेंगे, ऐसे ही होता है। ने काफी ताकत लगाई थी, सारे कांग्रेस में ताकत लगाई थी, दोबारा ये कंटिन्यू ना कर पाए सारे कांग्रेस। देखिए अभी आप ज्योति जी, देखिए अभी इलेक्शन जो है वो 2019 के सितंबर अक्टूबर में है। आज ये विषय उस इलेक्शन का नहीं है, आज विषय है जो 3.5 साल में भाजपा ने जो खराब किया, अभी जो 3.5 साल में जो बदला बदली की राजनीति बीजेपी कर रही है, इनके जो ग्रुप जो आपस में बने हुए हैं, इनके ऊपर विषय भी है, लोगों के बीच हम जा रहे हैं।
चर्चा कर रही है कि सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है इस पर आज चर्चा है, सरकार क्या कर रही है करते हैं हम बहुत बार चर्चा करते हैं, आज कांग्रेस को लेकर चर्चा है, आज कांग्रेस को लेकर चर्चा है, इसी की बात कर रहा हूं, जो कांग्रेस लोगों के बीच में जाती है वो बीजेपी की कुरीतियां दिखाने के लिए जा रही है, और इसीलिए ये जो होटल से हम जो इसीलिए जो हम होटल शुरू कर रहे हैं, ये सरकार की कमियां, ये सरकार की कमियां दिखाई जा रही है, कहीं रथ यात्रा, कहीं साइकिल यात्रा, सुनिए सर केवल एक राज्य सर सुना कीजिए राजीव रंजन जी, सरकार की कमियां दिखाने का तरीका कांग्रेस का। नहीं देखिए, ये आप सरकार की कमियां तो अच्छी बात है, चूंकि आप अपोजिशन में हैं तो नेचुरली गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही आप जाएंगे, और हुडा साहब वही करेंगे, तंवर साहब भी करेंगे, वो करेंगे, वो देखिए एक आप कर भी सकते हैं, बट बियॉन्ड एक एक जो बियॉन्ड पॉइंट अगर जब आप जाते हैं, एक पॉजिटिव मैसेज भी, देखिए परसेप्शन बिल्डिंग होती है, एक जब परसेप्शन आपका जो पब्लिक में बनता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। भाई मंत्री बाद में कार्यकर्ता पहले हैं, राजीव रंजन जी को कहा कि बोलने दीजिए उनको, आप दोनों बोलने लग जाते हैं, तो देखिए गवर्नमेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में रैली करना, प्रोटेस्ट करना अच्छी बात है, अपोजिशन को करना चाहिए, हुडा साहब कर रहे हैं, देखिए अभी तो वहां तक नौबत नहीं आई है कि रैली में कांग्रेस नेता एक दूसरे पे भी अटैक करा, अभी वो लोग बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, और मुझे लगता है क्या कि जहां रथ यात्रा को लेकर बोल चुके हैं अशोक तंवर की रथ यात्रा ना निकाली जाए, साइकिल हर नहीं, देखिए ये पुरानी ये ज्योति ये ना नहीं नहीं ज्योति देखिए पुरानी बात है कि साइकिल पर चलने का ज्योति, देखिए कांग्रेस में, देखिए कांग्रेस में जो ये मनभेद है ये बहुत पुरानी बात है, ये दो जब से सरकार बनी है, जब से वो तंवर साहब बने हैं तब से ये प्रॉब्लम है, और कई दफा उन्होंने पब्लिकली कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात को माला, तो इस बात से ये इशू है, अध्यक्ष तब से परेशानी है, अब बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तंवर साहब अपना पूरा काम कर रहे हैं, वो अपना काम अपने पूरे तरीके से उन्होंने अपने अलग अलग मुद्दे उठा रहे हैं वो, और आने वाले समय के अंदर भी और ज्यादा तेजी होगी, क्योंकि ये चुनावी साल ये है इसमें, और आज हाई कमांड का पूरा आशीर्वाद अशोक तंवर जी के साथ है, हमारी सारी यूनिट हरियाणा की बिल्कुल इकट्ठी है, और कहीं क्या विधायक हैं उनके साथ किनके, आप ये देखिए भी कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी जी ने जिसको अध्यक्ष बनाया है, आज हरियाणा का पूरा कांग्रेसी बच्चा बच्चा कांग्रेसी उसको अध्यक्ष मानते हैं, वो उनके व्यक्तिगत थोड़े बहुत कहीं अलग काम करने का तरीका जरूर हो सकता है, परंतु कांग्रेस के जिस समय चुनावी उसमें आएंगे बैठक बुलाते हैं तब विधायक पहुंचते हैं सर, जब कांग्रेस नहीं उनकी अलग व्यवस्था थोड़ी बहुत ही रहती होगी कोई बात नहीं, पर ज्यादा ज्यादातर आते हैं, अब शुरुआत हो चुकी है, अब शुरुआत हो चुकी है, ऑब्जर्वर हमारे बात हो रही है, अब ये है कि अलग बात अब करेंगे, जहां पे भी अशोक तंवर जी जाते हैं वहां का वहां आपको याद होगा राई के विधायक जय तीरथ भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोलते हैं कि अगर हुड्डा साहब को अध्यक्ष नहीं बनाया तो हम सारे विधायक रिजाइन कर देंगे, बाकी अभी समय आ रहा है कांग्रेस सारे विधायक कह रहे हैं रिजाइन करते, कुछ लोग आपके विधायक को मिलने जा रहे हैं, देखिए साहब को परेशान किया जा रहा है, ये शुरू से परेशान किया जा रहा है, अभी चुनाव शुरू हो चुका है, तंवर साहब को शुरू से परेशान किया जा रहा है, नहीं लड़ते और देखिए ज्योति जी मैं एक छोटा सा एक अपनी कमेंट दूंगा, ये देखिए तंवर साहब को तब बनाया गया था, तंवर साहब को हरियाणा का कमांड जब उन्होंने दिया था तो लीडरशिप ने ये डिसाइड किया था कि हम स्टेट में यंग लीडरशिप को प्रमोट करेंगे, यहाँ तंवर साहब को लाया, राजस्थान में सचिन पायलट को लाया, मध्य प्रदेश में उन्होंने अनिल यादव को लाया, बिहार में अशोक चौधरी को लाया, पार्टी कमांड का एक अच्छा डिसीजन था, और दुर्भाग्य से तंवर साहब को लोग मान नहीं रहे हैं। रंजन साहब से मैं सहमत नहीं हूँ, उसका कारण ये है कि हरियाणा में हाँ आपने पार्टली एक यंग लीडरशिप को आप लेके आए, पर डेफिनेटली पंजाब में यंग लीडरशिप वो भी नहीं आगे आ पाएंगे, स्पष्ट बात है। देखिए हरियाणा के अंदर आज की तारीख में चाहे कांग्रेस हो चाहे इंटरनेशनल लोकदल हो मुद्दा विहीन है, 3.5 साल के अंदर ऐसा कोई सरकार के ऊपर मुद्दा नहीं लगा पाए, हमारे घोषणा पत्र के ऊपर सारे मुद्दे
154 मुद्दों में से सुनो भैया, 154 मुद्दों में से सुनो, अरे भैया 1999 के बाद आप कब आए? बड़ी बात पे चर्चा कांग्रेस को लेकर की कि हरियाणा कांग्रेस के नेता जो अलग अलग मंचों पर जाकर अलग अलग हरियाणा के इलाकों में जाकर जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, क्या वो वर्चस्व की लड़ाई है या फिर वाकई जनता के मुद्दों को उठाया जा रहा है? फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।